तो क्या हाल आप लोग? तो गाइस जैसे ही आप लोगों को पता है मुझे 3.5 लाख प्लस लोग फॉलो करते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको अवेयर करूं, क्योंकि यहां पर आजकल बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत जरूरी है। मतलब बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आजकल मैं फेसबुक वगैरह चला रहा था, तो यहां पर मैं फेसबुक पर रील्स देख रहा था, जैसे कि आप लोग इसको देख सकते हो। तो यहां पर मेरे पास एक पोस्ट आई फेसबुक की तरफ से कि आप एक रील्स डालिए, कि मतलब आपकी जो गैलरी में फोटोज वीडियोज वगैरह हैं उन पे आप रील्स बना के डालिए। तो यहां पर भाई पहले तो मेरा दिमाग दौड़ा कि ठीक है, फेसबुक कह रहे तो फेसबुक ही प्रमोट करिए, बट बाद में मेरा दिमाग दौड़ा कि ये फोटोज और वीडियोस मैंने कभी फेसबुक पर ना अपलोड करी ना कुछ करा, फेसबुक ने मेरी गैलरी में से ही मुझको दिखाया। तो इसका मतलब फेसबुक के पास सब कुछ एक्सेस रहता है हमारी गैलरी का, और यही सेम इंस्टाग्राम के पास भी रहता है। अब ये दोनों एप्लीकेशन तो दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बड़े हैं, इनसे आपको कोई खतरा नहीं होने का, बट आजकल इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई जो आपसे एक्सेस लेती हैं कि अलाउ कर दीजिए। जैसे कि फॉलो एंड फॉलो वाली ऐप है, काफी लोग उसको डाउनलोड किए हुए हैं, अपने इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड भी डाल देते हैं, और यहां पर भाई उन पे एक एक्सेस होता है, अगर आप उसको ओके कर देते हो ना तो आपकी सारी गैलरी की फोटोज वीडियोस उनके पास चली जाती है उस एप्लीकेशन के पास। तो यहां पर भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, वहां से लीक होना कोई दिक्कत वाली मतलब लगता नहीं है कि वहां से लीक होगी, बट ये जो छोटे छोटे एप्लीकेशन रहते हैं यहां से वीडियोज और फोटोज बहुत ज्यादा लीक होती है। आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा MMS लीक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बनाते होंगे, बट मैं एक बात बता रहा हूं, आपके फोन में कुछ भी है इन एप्लीकेशन के पास सब कुछ एक्सेस रहता है। तो मुझे इतने ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो मेरा फर्ज बना कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि यहां पर जब मैंने फॉलो अनफॉलो वाली ऐप यहां पर इंस्टॉल करी थी आप लोगों के लिए, तो यहां पर वो कह रहा था कि इसमें आईडी पासवर्ड डालिए अपने इंस्टाग्राम का। तो यहां पर मैंने सोचा कि भाई अपने मेन अकाउंट का तो मैं डालने का नहीं हूं, ठीक है, तो क्योंकि मुझे खतरा मुझे पता है थोड़ा बहुत रहता है, हालांकि इसको बहुत ज्यादा लोग डाउनलोड किए हुए हैं तो यहां पर, बट फिर भी मैंने डाला नहीं। मैंने अपने पुराने जो मेरे पुराने इंस्टाग्राम था उसका आईडी पासवर्ड डाला, तो उसके बाद एक्सेस वगैरह भी वो ले रखा था। तो इंस्टाग्राम की सारी फोटोज वीडियोज आप किसी को भी भेज रहे हो, यहां तक कि भाई शायद गैलरी का भी एक्सेस होता है, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, तो सारे एक्सेस आपसे ले लेते हैं। तो प्लीज भाई कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले ये जरूर याद रखना कि आपका पूरा फोन उनके पास में है, उनके कंट्रोल में है, यहां तक कि भाई चैट्स भी हैं, इंस्टाग्राम की सारी चैट्स हैं, आप किसको क्या मैसेज भेज रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे मेरे पास केस आए हुए हैं। अगर आप कभी डेडिकेट वीडियो चाहोगे तो मैं उसका नाम यहां पर मतलब मिटा दूंगा, बट केस बताऊंगा आपको क्या केस था, बहुत बुरा केस था, हालांकि मैंने उसको थोड़ा सोल्यूशन दिया, बट अगर वीडियो लीक होगी तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, बट फिर भी मैंने थोड़ा सोल्यूशन उसको बता दिया था, वो अभी खुश है, बट फिर भी यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी उस लड़की के साथ, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए भाई ये सब चीजें मत क्या करो, गैलरी में आपने कुछ भी अपलोड मतलब कुछ भी मत डाला करो, अगर यहां पर आपको एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल करनी है तो, ठीक है, वरना कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करो, उसको एक्सेस मत दो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, सही बात बता रहा हूं मैं। तो वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यहां पर कोई इंस्टाग्राम के या फिर फेसबुक के बारे में यहाँ पर मैंने कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं बताई आज के वीडियो में, बट फिर भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग हटके भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अवेयर करूँ। इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बस ऐसी बता ली आप लोगों के फायदे के लिए। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे ऐसी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए और मैं मोटिवेट सा हो जाऊँ, ठीक है। तो बस यार आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ हमारे प्यार के और फिर मिलेंगे, चलते चलते।